मस्जिद में जहाँ पर जो खाना है उसमें फुवारा है और सिर्फ फुवारा है और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता, फुवारे में छेद होता है क्योंकि पानी निकलने के लिए साबित है कि उसमें छेद है और वो सिर्फ फुवारा है और उसे मिसगाइड किया जा रहा है। और नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम, हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ज्ञान बापी मस्जिद की वो जगह जिसको कुछ लोग शिवलिंग बताकर उस जगह पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं ज्ञान बापी मस्जिद के परिसर की वो वीडियो जहाँ पर फव्वारा था और जिस फव्वारे की साफ सफाई वहाँ के खास लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा एक और वीडियो जिसमें एक साहिबान कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं है क्योंकि शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता है, वहाँ पर फव्वारा है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरे मस्जिद परिसर में और तहखानों में 4 दिन हो गए कुछ नहीं मिला, तो वजू खाने के फव्वारे को ही शिवलिंग बता दिया। तो देर ना करते हुए नासिन हसरात, मैं आपकी पेशे नजर कर रहा हूँ आज की वो दोनों वीडियो जिसमे एक शख्स बता रहे हैं कि वहाँ पर फव्वारा है, कोई शिवलिंग नहीं है, और दूसरी वीडियो जिसमे आप देखेंगे कि उसी फव्वारे की लोग सफाई कर रहे हैं जिसको शिवलिंग बताकर उस एरिया को बंद कर दिया गया है। वादी पक्ष का जिस तरह कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहाँ वजू खाना है उसमें फुवारा है और सिर्फ फुवारा है और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता, फुवारे में छेद होता है क्योंकि पानी निकलने के लिए साबित है कि उसमें छेद है और वो सिर्फ फुवारा है और उसे मिसगाइड किया जा रहा है और शिवलिंग कह करके सबको गुमराह किया जा रहा है। वादी का कई कथन पूरी तरह गलत है। जी वादी पक्ष का जिस तरह कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहाँ वजू खाना है उसमें फुवारा है और वो सिर्फ फुवारा है और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता, फुवारे में छेद होता है बीच में पानी निकलने के लिए जिस साधु के कुछ में छेद है और वो सिर्फ फुवारा है और उसे मिसगाइड किया जा रहा है और शिवलिंग कह करके सबको गुमराह किया जा रहा है। वादी का यह कथन पूरी तरह गलत है। जी वादी पक्ष का जिस तरह कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहाँ वजू खाना है उसमें फुवारा है और सिर्फ फुवारा है और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता, फुवारे में छेद होता है जिसमें पानी निकलने के लिए जो साबित है कि उसमें छेद है और सिर्फ फुवारा है और उसे मिसगाइड किया जा रहा है और शिवलिंग सबको गुमराह किया। वादीगढ़ का ये कथन पूरी तरह निकालो के बाहर निकलवा दो मर्डर। जी वादी पक्ष का मर्डर निकालो है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहाँ वजू खाना है उसमें फुवारा है और सिर्फ फुवारा है और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता, फुवारे में छेद होता है बीच में पानी निकलने के लिए जो साबित है कि उसमें छेद है और सिर्फ फुवारा है और उसे मिसगाइड किया जा रहा है और शिवलिंग कह करके सबको गुमराह किया जा रहा है। वादी का कई कथन पूरी तरह गलत है। जी वादी पक्ष का जिस तरह कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहाँ वजू खाना है उसमें फुवारा है और वो सिर्फ फुवारा है और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता, फुवारे में छेद होता है बीच में पानी निकलने के लिए जो साधु के कुछ में छेद है और सिर्फ फुवारा है और उसे मिसगाइड किया जा रहा है और शिवलिंग का कथन सबको गुमराह किया जा रहा है। वादी का ही कथन पूरी तरह से गलत है। वादी पंच का जिस तरह कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहाँ वजू खाना है उसमें फुवारा है और सिर्फ फुवारा है और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता, फुवारे में छेद होता है बीच में पानी निकलने के लिए जो साबित है कि उसमें छेद है और सिर्फ फुवारा है और उसे मिसगाइड किया जा रहा है और शिवलिंग कह करके सबको गुमराह किया जा रहा है। वादी का कई कथन